हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टोर विशेष। तो गाइस, आज मैं आ गया हूँ हरिद्वार में। तो गाइस, इस टाइम मैं खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बहती हुई गंगा, और इस टाइम मैं खड़ा हूँ हर की पौड़ी पर। तो मेरे साथ है मोनू, चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए मेरे साथ घूमिए हरिद्वार और हर की पौड़ी। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और लेते हैं हरिद्वार का मजा। हर की पेड़ी भाई, भाई हम पहुंचने वाले हैं हरी के पास और हरी को करेंगे सरप्राइज, क्योंकि आज है उसका बर्थडे और उसको हमने बताया नहीं कि हमारे हैं। मैं और मोनू दोनों साथ जा रहे हैं। तो पहले जाएंगे हम हर की पैड़ी, उसके बाद जाएंगे इसके बर्थडे में। तो पहले घुमा देते हैं आपको हरिद्वार और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे अपने फ्रेंड के बर्थडे में। तो हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार और इस टाइम ये हैं कुछ घाट्स जो हरिद्वार के बाहर गंगा के पास बने हैं, पर हम जाएंगे हर की पौड़ी और आपको भी दिखाएंगे। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं हरिद्वार और इस टाइम मैं खड़ा हूं हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने और साइड में है होटल। तो भाई मैं तो आया था हरिद्वार बस से, पर आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा ट्रेन का। तो आप सीधा अपने सिटी से, आप जिस भी शहर से आ रहे हैं, तो आप वहां से ट्रेन का ऑप्शन चुनिए, क्योंकि आपके लिए बेस्ट ट्रेन का होगा। क्योंकि हरिद्वार के लिए हर बड़े बड़े सिटी से ट्रेन आती है, तो आपको रेलवे स्टेशन बेस्ट रहेगा। और यहीं से बाहर ही आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा, यहाँ से जहाँ आप घूमना चाहते हैं वहाँ के लिए ऑटो बहुत अच्छी तरीके से और कम दाम में मिल जाएंगे। तो आइए एक नज़र में देखते हैं रेलवे स्टेशन कैसा है और कितना खूबसूरत बना है। रेलवे स्टेशन के बाहर आती है आपको बहुत सारी ऑटो मिल जाएंगी। तो भाई हम आ गए, यहाँ बैठ गए, खाएंगे हम खाना। तो भाई मोनू ने ऑर्डर करा दाल मखनी और बटर रोटी, बहुत ही बढ़िया लगा और थोड़ा रीजनेबल प्राइस में भी है। तो भाई मुझे तो ऐसा होता है कि जैसे ही मैं हरिद्वार आ जाता हूँ, सबसे पहले मुझे लग जाती है भूख, तो सबसे पहले मैं आता हूँ कि मुझे यही खाना बेस्ट लगता है। तो भाई थोड़ी देर वेट करने के बाद आ गया हमारा खाना। भाई प्याज का है क्या? नहीं है प्याज यार, है तो देखिए रखी तो यार लिया प्याज यार। भाई सलाद में भी हमें प्याज नहीं मिली, तो हमने प्याज के लिए बोल दिया, तो मूली से काम चलाना पड़ रहा है भाई, देख लो। तो थाली आ गई हमारी, करते हैं स्टार्ट भाई, टूट पड़ो खाने पे। तो भाई मोनू कर रहा है सर्व। तो चलिए फटाफट खाना फिनिश करते हैं और मिलते हैं हर की पौड़ी पे, दिखाते हैं आपको वहाँ का क्या नज़ारा है, पानी आ गया है या नहीं आ गया। बहुत तेज हो रही है और हम फाइनली पहुंच गए हरिद्वार। आप मेरे पीछे देखेंगे हरिद्वार का रेलवे स्टेशन, और अभी हम चल रहे हैं रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे। तो फाइनली हम बाहर आ गए हैं रेलवे स्टेशन से, मैं और मोनू चल रहे हैं, मजे लेते हैं भाई। हर की पौड़ी बैठो भैया, क्या रुपये कितनी सवारी है? 5-7 दिख रही यार, बैठो 60 रुपये दे। हर की पेड़ी भाई, देखिए ये हुआ ना बात बढ़िया, भाई ने सही रेट दिए, इसलिए हम भाई के साथ बैठे, उसकी रिक्शा में इसलिए नहीं बैठे, अच्छे रेट लो यार। हर की पौड़ी के लिए रिक्शा वाले से रेट पहले ही कंफर्म कर ले। अगर आप रुकना चाहते हैं हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पे, तो बाहर ही आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे जिनका रेट 400 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक होता है। पर एनिमल फेमस हो गया भाई मूवी।
यार मेरा भी मन है एनिमल मूवी देखने का। तो मैं पहुंच गया हूं हर की पैड़ी, और हर की पौड़ी का बहता हुआ जल इतना सुंदर नजर आ रहा था कि क्या ही बताऊं। तो आइए अब चलते हैं हर की पौड़ी। तो इस टाइम अब आ गया हूं मैं हर की पौड़ी पर, और यहां पर सभी गंगा में स्नान कर रहे हैं। तभी एक छोटी बच्ची ने आकर मुझे बोला कि भैया ये लगवा लो। तो मैंने लगवा लिया, और लगने के बाद सच में मैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये जो इस छोटी सी गुड़िया ने बनाया। चलिए दिखाता हूँ आपको इसने कैसा बनाया। ये जो टीका था ये भोले शंकर का है, हर की पौड़ी का नजारा सुबह के टाइम या फिर संध्या के टाइम आरती में नजर आता है। और ये हर की पौड़ी का दूसरी साइड जो बड़ी गंगा है उसमें बहता हुआ जल इतना सुंदर नजर आ रहा है। पानी की आवाज अगर आप सुनेंगे तो उतना ही मन मोहक हो जाएगा। गंगा जल घर ले जाने के लिए आपको कैने भी यहीं पर मिल जाएंगे। हर की पौड़ी का ये नज़ारा और इस टाइम बहता हुआ जल आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। हरिद्वार में बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं। हर की पौड़ी पर बहुत सारे मंदिर बने हैं, जैसे गंगा का प्राचीन मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। तो गाइज हरिद्वार की और हर की पौड़ी की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी और ऐसे आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।